हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जो लोग भी नए हैं चैनल पे उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है निक्की और मैं गोवा में रहती हूँ और अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुई हूँ। तो आज सेकंड ब्लॉग है नए घर से। सुबह उठी तो गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं इस तरीके से घुमा रही थी कि थोड़ा आराम मिले मुझे। और मुझे हो गया है ये नोज़ के पास पिम्पल, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा है मुझे और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो सुबह सुबह अब चलते हैं बालकनी में, क्योंकि मुझे आदत है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं सबसे पहले बालकनी में जाऊँ। तो आके बालकनी में मैं सूर्य भगवान के दर्शन करती हूँ। हल्का हल्का सा दिख रहा है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो सामने से दिखती नहीं है, तो बस सूर्य भगवान को देख के प्रणाम करते हैं। 2-4 मिनट खड़ी होती हूँ, उसके बाद फिर अब जो भी काम होता है उसमें लग जाती हूँ। तो आज हम जा रहे हैं वॉक पे और आज फर्स्ट डे है कि बेटा भी जा रहा है। बहुत एक्साइटेड था जब हम उसको बताते थे कि हम रोज़ जाते हैं, तो बोलता नहीं मम्मा मुझे भी लेके चलना। तो फिर आज हम तीनों ही साथ में जा रहे हैं और मैं एक पीस गुआवा खाते हुए जा रही हूँ। उसको भी मैंने कहा था बट उसने खाया नहीं और बाद में उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर बच्चा चल गया था तो उसको बहुत भूख प्यास लगी थी, तो फिर हमें लौट कर आना पड़ा था। चलो और घर आते वक्त इसने लिया था फ्रूटी है, वहाँ पे पिया नहीं। मैंने कहा पी लो जब अभी भूख प्यास लगी तो, नहीं मम्मा पेट दर्द होगा, घर जाके पीऊँगा। घर आने के बाद 10-15 मिनट में बैठी, पसीना वगैरह सुखाया और यहाँ पे बनाने जा रही हूँ कढ़ी। उससे पहले मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करने से पहले बेटे को कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि उसने फ्रूटी नहीं पी है, खाली पेट वो नहीं पीना चाहता है। हमने उसको डरा कर रखा है कि बेटा ये सारी चीज़ें खाली पेट तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए बाहर की, तो उसके लिए मैंने एप्पल पील करा और उसको एप्पल दे दे रही हूँ ताकि वो बैठ कर खा लेगा। और सुबह सुबह हमारे घर में भजन तो चलता ही चलता है, जो भी दिन हो उस दिन के जो भगवान की जिनकी पूजा होती है उनका भजन चला देती हूँ, 1-2 घंटे वही चल जाता है मॉर्निंग टाइम पे। कढ़ी बनाने के लिए बेसन लिया है, उसमें दही डाला है, हल्दी, काले मिर्च और जीरा का थोड़ा सा पाउडर, और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से ये हैंड ब्लेंडर से, और जितना रिक्वायर्ड हो अकॉर्डिंग हम पानी डाल देंगे। कूटने वाले में छिली हुई लहसुन और एक मिर्ची डाल रही हूँ, इसको कूट लेंगे अच्छे से। और फिर कढ़ाई में लेंगे तेल, इसमें तेज पत्ता, कड़ी पत्ता और पंचफोरन जो होता है और राई, ये सारी चीज़ें डाल के हम सौटे करेंगे। जब ये सौटे हो जाए तो कूटी हुई हरी मिर्ची और लहसुन जो थी वो डालेंगे और हींग डालेंगे, इनको भी हल्का सा सौटे करेंगे। और फिर जो हमने किया था मिक्सचर बेसन का और दही का और सारे मसालों का वो डाल देंगे, ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे गरम मसाला और नमक और इसको अच्छे से 10-12 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। मीनवाइल मैं बना रही थी चाय, तो चीनी ख़त्म हो गई थी डब्बे में तो मैंने उसको रिफ़िल कर दिया। बहुत ही अच्छे से कढ़ी भी बॉयल हो रही है और साथ में चाय भी मैं बना रही हूँ। तो सिंपल सी चाय, वैसे तो मैं नहीं पीती, मैं हर बार यही बताती हूँ, पर थोड़ी सी मैं ले लेती हूँ, वही चाय बिस्किट या फिर ब्रेड के साथ जो कुछ भी अवेलेबल हो घर पे, तो वो सारी चीज़ें मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। कढ़ी अब बॉयल हो गई है तो धनिया पत्ते से गार्निश कर रही हूँ, धनिया पत्ता तो मस्ट है, आप चाहे तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, मैं कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड ने पानी गर्म किया था तो केटल इधर ही लाकर वो गर्म कर लेते हैं, क्योंकि उधर ऑलरेडी 2 प्लग्स हैं, दोनों इंगेज्ड हैं। होम टूर बहुत जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँगी तो आप सबको पता चल ही जाएगा। तो केटल उठाकर मैंने उधर रख दिया है और कढ़ी को भी मैंने निकाल लिया है और लगे हाथ ना मैं सारे बर्तन जो बड़े बड़े होते हैं उसको सिंक में डाल देती हूँ ताकि वो धुल जाएंगे, भीग जाएंगे। तो और बर्तन वगैरह मैं जनरली धुलती हूँ नहाने के बाद ही, क्योंकि सुबह सुबह ना भूख लग जाती है मुझे और बहुत ज़्यादा लेट अगर हो मुझे नहाने में तो फिर मेरा ना किसी काम में मन नहीं लगता, इसलिए जो ज़रूरी काम होता है वो सारे करके मैं नहा लेती हूँ, फिर जो बच जाते हैं वो मैं बाद में कर लेती हूँ, क्योंकि आज की जब छुट्टी है ना तो थोड़ी सी मैं लेज़ी हो जाती हूँ, अदरवाइज़ जब उसके स्कूल्स होते हैं तो मैं थोड़ी ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, तो मैं नहाने से पहले सारा काम कर लेती हूँ कि नहा धो के फिर उसको स्कूल से लेने जाना होता है। यहाँ पे मैं बैठी हूँ बैंगन काटने के लिए, बैंगन फ्राई बना रही हूँ, तो उसके लिए बैंगन को पानी में डाल के रखते हैं इसलिए मैंने पानी का बाउल भी लिया था। सारे बैंगन को इस तरीके से मैंने कट कर लिया है, जब 10-15 मिनट के लिए छोड़ते हैं इसको ताकि जो इसका कसापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए, तो तब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, थोड़ी बहुत जो डस्टिंग वगैरह करनी है हल्की फुल्की सी, तो वो सारे काम मैं इतने देर में कर ले रही हूँ जब तक कि बैंगन को पानी में मैंने छोड़ रखा है। अब बनाते हैं बैंगन की रेसिपी। तो मैंने सरसों तेल लिया है, कढ़ाई में डाला है 1 तेज़पत्ता, हरी मिर्ची और हींग, इसमें भी पंचफोरन जाता है बट मैंने नहीं डाला है क्योंकि कढ़ी में ऑलरेडी है, तो एक ही दिन में सारी चीज़ें पंचफोरन वाली फिर वो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए जब वो सॉटे हो गए तो मैंने बैंगन डाल दिए जो पीसेज में कटे हुए हैं और हल्का सा मिक्स कर दिया है।
और ढक देंगे हम इसको 5 मिनट तक लो फ्लेम तक कुक करेंगे। तब तक यहाँ पे कल जो इडली बनाई थी मैंने उसका बैटर था, तो आज लंच में इडली और चटनी ही जाएगी और ब्रेकफास्ट में भी इडली चटनी। मतलब मेरा और मेरे बेटे का जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो हस्बैंड का लंच होता है, क्योंकि वो चावल खा कर जाते हैं और हमारा चावल लंच होता है, तो ऐसा उल्टा चलता है हमारा। तो इन सबको भी मैंने बैटर में बैटर को मैंने इडली पॉट में रख दिया है प्लेट्स में और उसको चढ़ा दिया। 15 मिनट्स में वो बन जाएंगे। तब तक इधर मैं सब्जी को भी देख ले रही हूँ, जो बैंगन फ्राई बना रही हूँ उसको, वो जब हल्के से गल जाते हैं तो हम उसमें डालते हैं मसाले, जैसे हल्दी, नमक, थोड़ा सा काली मिर्च, जीरा का पाउडर, गरम मसाला डाल दो आप, टमाटर चॉप करके, टमाटर मस्ट है इसमें, और कूटी हुई लहसुन, ये दो चीज़ें तो ज़रूर डालो। आप चाहो तो हल्का सा फ़िश मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हो, मैंने किया था। फ़िश मसाले से ना बैंगन की सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, प्योर वेजिटेरियन मसाला होता है तो उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छे से इसको फिर से ढक के लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे, बहुत अच्छे से पक जाती है। हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। यहाँ पे मैं हस्बैंड को सर्व कर दे रही हूँ क्योंकि वो खाना खाने बैठ चुके हैं। इडली भी हमारी बन गई है, मिनी इडलीज मैं अपने बेटे के लिए बनाती हूँ, तो उसको ब्रेकफास्ट में दे दे रही हूँ इडली एंड चटनी। और अब बारी आती है किचन क्लीनिंग की, तो ये काम तो मैं जल्दी कर लेती हूँ। जैसे खाना बनता है विद इन 5 मिनट्स मुझे किचन क्लीन करना है, भले बर्तन में बाद में धुलूंगी बट किचन तो मुझे क्लीन चाहिए ही। तो फटाफट से मैंने पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं भी नहाने धोने चली गई थी, नहा धो कर आकर यहाँ पर बैठ कर मैं कर रही हूँ पूजा। बेटा भी नहा चुका था, वो अपने पापा के साथ ही नहाता है जनरली, कभी कभी ही वो बाद में नहाता है जब वो लेसी सा हो जाता है। तो यहाँ पर बैठ कर हमने करी पूजा, उसके बाद फिर नीचे गई मंदिर में। यहाँ पर मंदिर है नीचे, तो मैं नीचे रोज़ ही पूजा करने चली जाती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मंदिर भी जाकर पूजा करना। तो यहाँ पर भी पूजा वगैरह करके हम घर वापस आ गए और फिर यही है मेरा ब्रेकफास्ट, इडली एंड सांभर। सांभर कल की ही थी, तो पुरानी चीज़ें हस्बैंड खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इतना ही सांभर बचा था तो मैंने खा लिया था। और लंच में यही कढ़ी, चावल, चटनी और बैंगन फ्राई थी। शाम के टाइम पे बेटे को भूख लग रही थी, तो फिर मैं सोचा चलो मखाने रोस्ट कर देती हूँ। तो घी डाल के, घी अभी तक मैंने ना स्टील वाले डब्बे में डालती हूँ, उसमें डाला नहीं है मैंने, मतलब मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उसमें डालूँ, तो डब्बे में फ्रिज में ही रखा है। तो घी डाला मैंने ये पैन में और उसके बाद मखाने डाल के रोस्ट करेंगे। 5 मिनट में मखाने बन जाते हैं मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूसली चलाते रहने पर, और बस एक आप हाथ से उठा के फोड़ कर देखोगे, अगर वो अच्छे से क्रश हो जाते हैं मतलब वो पक गए हैं। मखाने भुन गए थे, बेटे को दे दिया, उसके बाद आ गई मैं कपड़े मशीन में लगाने के लिए। इस घर में सब कुछ तो बहुत अच्छा है, एक यही प्रॉब्लम हो गई है मेरे कपड़ों की, क्योंकि इनका जो प्लेस दे रखा है ना वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए दे रखा है और मेरा वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक है, तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हल्की सी है कि बस ये उतार के फिर मुझे मशीन चलाना पड़ता है और फिर इसको वापस ऊपर रखना पड़ता है। तो एक्टिव रहना पड़ता है कि कंटिन्यूसली बस कपड़े लगाओ और फटाफट से धुल के 1 घंटे में इसको निकाल दो और वापस रख दो, क्योंकि ऐसे यहाँ पे ये चीज़ें ना वॉशिंग मशीन इधर रखी हुई अच्छी नहीं लगती है मुझे। इसलिए जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ उसी टाइम पर कपड़े लगाती हूँ कि तब तक मैं खाना बना रही हूँ, बर्तन धुल रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ, उतनी देर में इसका भी काम हो जाएगा, तो एक ही साथ में सारा काम करते हुए किचन को क्लीन करके निकल जाऊँगी। तो बस मैंने कपड़े मशीन में लगा दिए और लग गई हूँ मैं यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए। तो ये दोनों काम मेरे साथ साथ में हो जाएंगे, किचन का सारा काम मेरा निपट जाएगा। लगभग अभी शाम के 3-4 बज रहे होंगे, ऐसा कुछ टाइम हो रहा था, तो ये दोनों काम मेरे साथ साथ में चल रहे हैं। सारे ही बर्तन धुल गए, बर्तन धुल के इधर साइड में ही रखना होता है, नीचे मैं एक ट्रे लगा लेती हूँ और अच्छे से धुल लेती हूँ। सिंक वगैरह भी क्लीन कर दिया, सब कुछ अच्छे से पूरा सेट कर दिया है मैंने। बर्तन धुल जाता है, किचन क्लीन रहता है, कपड़े धुल जाते हैं, तो सारी टेंशन मानो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर थोड़े से मखाने थे तो सोचा मैंने कि अब मैं थोड़ा खा लेती हूँ, क्योंकि काम वाम करो तो भूख भी लग जाती है। और बेटा यहाँ पे मखाने और शेक मैंने उसको दिया था, वो एंजॉय कर रहा है। उधर का काम ख़त्म करके मैं जैसे ही रूम में आई तो यहाँ पे पानी गिरा पड़ा था और एक गिलास पड़ी थी। मैं बच्चों का यही होता है, आप सोचोगे कि मैं ये काम फिनिश करके जाके थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, बैठती हूँ, बट वो नहीं हो पाता है। हमें अगर रेस्ट करना है कभी कभी तो उन चीज़ों को इग्नोर करके करना पड़ता है कि अच्छा हम बाद में कर लेंगे, अदरवाइज़ हमें वो सारा काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसके बुक्स, टॉयज, ब्लैंकेट सब कुछ ऐसे ही पड़ा था। ब्लैंकेट दिन में एसी चलाते हैं तो फिर वो यूज़ करना पड़ ही जाता है, अदरवाइज़ सुबह तो एक बार फोल्ड कर ही देती हूँ। तो मैंने अंश को ही बुलाया कि बेटा आप अपने टॉयज़ और बुक्स तो हटाओ, तो उसने बुक्स हटा लिए, टॉयज़ मुझे ही हटाना पड़ा कि नहीं मम्मा आप हटा दो, क्योंकि वो टीवी देख रहा था। टीवी देखने टाइम बच्चे कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो बस मैंने पूरे बेड को सेट किया अच्छे से
और उसके बाद फिर मुझे लग गई भूख, तो मैंने ये थोड़ा सा चूड़ा फ्राई और नमकीन लिया था। ये सेव ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सिर्फ नमक वाले होते हैं और कोई टेस्ट नहीं होता उसमें, तो अच्छा लगता है मिक्स करके चूड़ा के साथ खाने में। खाया पिया मैंने, थोड़ी देर बैठी, तब तक दिया बाती का टाइम हो गया। तो ये शाम की पूजा मेरी चल रही है जो कि रोज़ की होती है, सुबह शाम दो टाइम तो पूजा करते ही हैं। शाम वाली पूजा थोड़ी हल्की ही होती है, 5-7 मिनट लगती है मुझे पूजा करने में, ऐसा कुछ ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। तो बस यही मेरी पूजा चल रही है। पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं बैठी थी, सारे कपड़े वगैरह हैंगर से निकाल रही थी क्योंकि सब धुले थे मैंने, तो सुबह ही उतार कर मैंने रखा था। तो मैं सोचा आज ही इसका काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर कल परसों धोऊंगी, जो आज मैंने धुले हैं वो कल उतारूंगी तो फिर कल भी और ज़्यादा हो जाएंगे। और ये सारे कपड़े हस्बैंड के थे, ऑफिस वाले, हस्बैंड के ऑफिस वाले कपड़े मैं सारे एक साथ धुलती हूँ, उनके साथ किसी और कपड़ों को मिक्स नहीं करती हूँ, तो उनका एक अलग ही स्लॉट रहता है। तो बस ये निकाल कर मैं यहाँ पर प्रेस करने के लिए भी बैठी हूँ कि सारे प्रेस करके ही रख दूँगी क्योंकि अब लगभग उनके कपड़े ख़त्म हो गए हैं। एक बार मैं प्रेस करती हूँ तो 20-25 दिन तक आराम से रहती हूँ, फिर वापस उसके बाद एक स्लॉट फिर से प्रेस कर देती हूँ। मैंने 2-3 कपड़े ही प्रेस करे थे, उसके बाद बेटे ने शोर मचाना स्टार्ट किया कि मम्मा खेलने चलो खेलने चलो। तो बस 2-3 कपड़े ही प्रेस करके मैं चली गई थी अंश के साथ नीचे। वहाँ पे मैं बैठी थी, थोड़ा बहुत वॉक भी किया, ज़्यादातर हम नहीं रुके थे, 20-25 मिनट रुके थे क्योंकि ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे, तो अंश ने थोड़ा बहुत इन्जॉय किया। और बस इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। जो लोग भी चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दे, व्लॉग्स देखना अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें क्योंकि आप सब कमेंट करोगे ना तो फिर हम जुड़ेंगे, मैं रिप्लाई दूंगी तो फिर हमारा एक बॉन्ड बनेगा और हमारी एक यूट्यूब फैमिली बन जाएगी। तो सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।